तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो जी राम राम सभी को, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। एक चीज़ बोलूंगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले, बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलनी तो मेरे को पहले ही थी। खैर, अपने 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और 5 लाख सब्सक्राइबर्स आएगी जबरदस्त गाड़ी और प्रोजेक्ट कार होगी। इसको नहीं बेचूंगा, ये तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई, इसको नहीं बेचने का। जो भी होगी प्रोजेक्ट कार, जैसी भी होगी, वो तो आप लोगों को देखो पता चल ही जाएगा ओवर द टाइम। तो हाँ, 5 लाख सब्सक्राइबर्स करा रहे हैं हम लोग, केवल 24,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं अब। तो जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाओगे, फिर हम लोग और पास हो जाएंगे, फिर हमारे 1,000 सब्सक्राइबर कम रहेंगे, फिर हमारे 2,000 कम रहेंगे। तो फटाफट 5 लाख सब्सक्राइबर्स करा दो फटाफट, मुझे नहीं पता कैसे कराओगे पर कराने हैं आप लोगों को। चलते हैं भाई अभी और इधर गाड़ी लगाऊंगा। सबसे पहले मेरे सभी भाइयों को राम राम और अपनी राखी दिखाऊंगा आज आपको। ये देखो भाई अपनी राखी है। तो मेरे सभी भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन और मेरी सभी उन बहनों को रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आप सभी को मेरी तरफ से और सभी को राम राम जी भी। इधर लगाते हैं और आप लोग यार कुछ बोलो और वो मैं ना करूं, इससे मेरा मतलब है कि यार गर्म पसीने पता क्यों हो रहा हूँ बुरी तरीके से। अभी ना गाड़ी वॉश करी है, घर वाले गए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि बाहर नहीं जाना, घर पे ही रह के वॉश कर ले जो भी कर ले। तो पूरी सफेद कुर्ते पजामे में था, इसमें जो वॉश करी है तो पसीने आ रहे बुरी तरीके, और पसीने सुखाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, और आप लोगों ने मेरे से बोला कि हर्ष भाई साइड वाले पिलर्स करो, और मैं ना करूँ ऐसा कैसे हो सकता है? बस मेरे को आइडियाज देते रहो, मैं करता रहूंगा। अभी इंटीरियर में सोच रहे हैं क्या कुछ करेंगे, अभी रक्षाबंधन के लिए घर पे आया हुआ था। हाँ, कंटेंट बहुत सारा है आपको, डेली 8 बजे आपका सुपर डोज डेली मिल जाएगा जो आप देखते रहते हो। तो अब रेंज रोवर दिखाएंगे और सही मायने में ना रेंज रोवर लग रही है देखने में, मतलब जो भी देखेगा ना भाई उसने तो यही कहा है कि नजर में आए हाय हाय भाई क्या जबरदस्त मजा आ रहा है आपकी गाड़ी को देख के, और सही मायने में भाई लग भी रही है। तो देखो, आप लोगों का आइडिया, आप लोगों का प्यार और आप लोगों ने जो जो मेरे को बोला उसकी वजह से एक छोटी सी और बोलूंगा यार, 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं अपने, केवल हम लोग शायद से 24,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं। आप लोग ना 1 महीने में करा सकते हो, अगर फटाफट सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो फटाफट कर दो, क्योंकि 5 लाख पे एक और गाड़ी आएगी, 4 लाख पे आई थी, 5 लाख पे भी आएगी। और देखते हैं प्रोजेक्ट कार कैसी कुछ होगी, क्या कुछ होगी, ये नहीं बेचूंगा मैं, थार भी नहीं बेचूंगा। लेट्स सी प्रोजेक्ट कार में क्या कुछ आता है, नई लेंगे पुरानी लेंगे जो भी होगा, बट होगा। तो 5 लाख सब्सक्राइबर फटाफट करो। चल गाइस स्टार्ट करते हैं। तो तुरंत भी अपनी जो पिछली वाली वीडियो थी वो जी न्यूज, माइक्रोसॉफ्ट, दैनिक जागरण और मतलब बहुत सारी इन्होंने जो है उनको प्यार भी दिखाया और फिर काम भी अच्छा हुआ था ना, वायरल हो रही है गाड़ी। हाँ, कई बंदों ने पूछ लिया। अच्छा, मेरे को काफी कॉल्स आ गए। चलो ये तो अच्छा है। अच्छा, तुम में एक चीज ना रह रही थी अभी भी अधूरी, मिसिंग थी ये, और उस दिन हमने डिसाइड करा था बट देन फिर उस दिन नहीं करा, अच्छा हुआ कि डिफरेंस में पता चल गया क्या कुछ आया। हाँ जी। तो आज क्या होने वाला है ये बताओ? आज पिलर करेंगे इसके, पीपीएफ, नॉट रैप। रैप नहीं होगा। हाँ, और रैप और पीपीएफ में आपको डिफरेंस समझाऊं सरल शब्दों में। देखो ये तो जो है भाई आपका, ये रैप का हाल हो जाता है कुछ दिन बाद, है ना, ऐसा रैप का हाल हो जाता है। और ये जो है भाई आपकी पीपीएफ का हाल, मतलब इस अभी पीपीएफ होगी और ये वाला है ना ग्लॉस, कितना 1 महीना तो हो गया होगा शायद, 1 महीना तो नहीं, 15 दिन हो गए, है ना, 15-20 दिन हो गए। हाँ, 15-20 दिन हो गए। और देखो भाई ग्लॉस ना एज इट इज एकदम बरकरार है। अच्छा, 2 साल बाद भी एज इट इज ग्लॉस रहेगा, क्योंकि ये टीपीयू है और वो अपना पीछे कौन सी कंपनी का है अभी अपना, टिंटेड ऑरेंज है। तो भाई अपनी गाड़ी पे जितना भी आज तक काम हुआ है सब कुछ हुआ टिंटेड ऑरेंज का ही हुआ है, और भाई पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड है ये। सबसे बड़ा आपको इसका एक मैं फीडबैक बताऊं, एडवांटेज ये बताऊं कि भाई ये जो रैप होता है ना, बेसिकली रैप नहीं, सॉरी, ये जो पीपीएफ होता है इससे पुलिस नहीं रोकती, रीजन बीइंग कि कंपनी वाला काम लगता है, है ना, ड्यूल टोन में गाड़ी। हाँ, अभी ड्यूल टोन हो जाएगी पूरी, अभी एक छोटा सा यहाँ पे ये रहता है बस, ये चीज है, बाकी अभी जो ना हाल फिलहाल ड्यूल टोन होने वाली है। तो कितना देर लगती है लगभग इसमें? पिलर करने में लग जाएंगे 2 घंटे आराम लग जाएंगे और छत में भी शायद इतने लगे थे। हाँ, छत तो सीधी सीधी है ना, तो आराम से हो जाती है। ठीक है, पिलर में थोड़ा सा कर्व है, अच्छा, तो टाइम लगेगा लॉकिंग करने में, टाइम लगेगा। ठीक है, तो भाई 2 घंटे लग जाएंगे इसमें आराम से, दोनों साइड के होंगे अपने, और एक बार होने के बाद दिखाता हूँ नहीं, वो बताना नहीं होगा। अच्छा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, कुछ और भी सोच रहे हैं हम लोग, है ना, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। हम लोगों ने नीचे भी सोचा क्योंकि रेंज रोवर बनानी है, तो बट हाँ ऊपर वाला आपको इसमें पार्ट में दिख रहा है, सेकंड पार्ट में हमने नीचे भी कुछ रेंज रोवर स्टाइल स्टिकरिंग सोची है ना, तो वो आपको देखने को मिलेगी। तो अभी चलो ऊपर की होती है। इधर ना ये लेंथ कट चुकी है अपनी, और अगेन दिखा दूँ पीपीएफ, और ये 3 लेयर प्रोटेक्शन में आता है ना भैया, 3 लेयर में आता है, ये ऊपर वाली है, उसके बाद एक अपनी दूसरी होगी और नीचे वाली जो है वो है। अच्छा, एक कमाल की बात मैं आपको बताऊँ कि तरुण भैया टिंट एंड ऑरेंज के बारे में, देखो अपनी थार पे तो कितने हो गए मेरे हिसाब से गाड़ी को, 6 महीने तो हो गए, महीने से ज्यादा हो गए, है ना, 6 महीने ज्यादा है, और भाई एकदम वैसी की वैसी है, ना पीलापन पड़ा है ना कुछ पड़ा है। ये भैया आप देख सकते हो XUV 700, बिल्कुल देखो भाई यहाँ से आप देख लो, ये पीपीएफ है और ऊपर आपको
ये भी दिखेगा यहाँ से, पता ही नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा यही ना सबसे बढ़िया चीज लगी लोगों को भी थार में कि उनने देखा और बोले इस पे पीपीएफ रखा है, मैं कहनी भी पीपीएफ मतलब मैं हाँ पीपीएफ रखा, उन्हें पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं चलता, तो ये चीज बढ़िया है। अच्छा वैसे तुम्हें एक चीज बताओ, एक ना वहम है लोगों के मन में, चलो महंगी कंपनियों का नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, जो डेढ़ डेढ़ लाख तीन तीन लाख रुपए में पीपीएफ होती है अपनी, क्वालिटी सब क्वालिटी है, ब्रांड है वो बहुत अच्छे ब्रांड है, ठीक है बहुत अच्छी होती है, वो भी बेस्ट ही होती है, इससे बेस्ट ही होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल वैसी है, उसके टक्कर की है, टक्कर की है। और फिर प्राइस मतलब प्राइस कितनी कॉस्टिंग, हाफ हाफ से भी कम, हाफ से भी कम। और फिर देख मैं एक चीज बताता हूँ आपको, लमसम इसमें हम लगाते हैं, चलो ये इस पे गाड़ी पे हुई एक लाख रुपए की, 80,000 रुपए की जितने भी, ठीक है, अब आप वो कराओगे तो आपको सेम 3 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी, है ना, 2.5 लाख रुपए के आसपास। और ये ना आप 2 साल में वापस बदलवा लो, 5 साल की गारंटी मिलती है, 5 साल की गारंटी है, इसमें भी 5 साल की है, पर बाकी किसी का मन करे तो 2 साल में बदलवा, है ना, वैसे भी डल होगी नहीं, डल होगी नहीं, है ना, मैं 500 से गाड़ियां ऊपर डिलीवरी दे चुका हूं, अभी तक कोई डलनेस की कोई मेरे को कंप्लेंट नहीं आई, नहीं आई है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि इस पे भी हो रखी है और सेम अपनी में लग रहा है, अभी दिखा, इधर से ना होना स्टार्ट हो गया है, पिलर्स अपने दिख रहे होंगे, और नो डाउट पे एक ही कमी थी, है ना, साइड से जो रेंज रोवर वाली लुक्स है वो आ चुकी है इसमें, और पिलर्स भाई होने जरूरी है, और ग्लॉस में होने के बाद सेम वो ड्यूल टोन जो कंपनी देती है, डिट्टो वो का वही है, और ये चीज़ ना रैप में नहीं होगी, ये चीज़ सिर्फ पीपीएफ में ही है। अच्छा भैया वैसे ना अभी लोगों को डाउट होता है कि नहीं यार पीपीएफ नहीं आती, या तो ये ब्लैक पीपीएफ या कलर्ड पीपीएफ कब इंट्रोड्यूस हुई है, आती है ना, मतलब या तो फिर नॉलेज नहीं होगी लोगों को इतने, ब्लैक मैट भी आती है सर, अच्छा मैट भी आती है, ग्लॉस भी आती है, इसकी ग्लॉस जो है वो रैप में नहीं मिलेगी, हाँ ये तो सही बात है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि रैप सेल फीलिंग नहीं होता, ये सेल फीलिंग है ना। अच्छा विनाइल रैप और पीपीएफ तीनों अलग चीज़ें हैं, तीनों अलग चीज़ें, तो रैप विनाइल बोल के लगा सकता है कोई, सर विनाइल सस्ता प्रोडक्ट है ना, एकदम बोल तो रैप जैसे 3M गरवारे वगैरह का रैप आता है बहुत अच्छे रहता है, हाँ वो पीपीएफ थोड़ी सी इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, माइक्रोन बढ़ जाते हैं। अच्छा वेल गाइस यहाँ से अपना जो स्पॉइलर है गाड़ी का वो भी रैप होने लग रहा है, मतलब पहले तो यही प्लान था सिर्फ कि अपना जो आगे आगे का रूफ है वो रैप कराएं, बट अब जो स्पॉइलर है वो भी रैप होगा, एंड आप लोगों को दिख जाएगा कैसा कुछ रैप होने वाला है, मतलब ये ना बेसिकली 2 पीसेस में होने वाला है, बिकॉज एक पीस में नहीं हो सकता, कर्व बहुत ज़्यादा है इसमें, तो ये 2 पीस में होगा, टायर टेढ़ी कर देते हैं ना फिर दिखाएंगे, थोड़ी सी अच्छी लगेगी, दिखाते हैं फिर, दिखाते हैं क्या, चलो दिखा देते हैं, इतना बोल रहे हो आप लोग तो, किस किसने बोला है नीचे दिखा दो, कमेंट करो फटाफट, ठीक है। और भाई यहाँ पे मैं भिवानी में आया हुआ था, यहाँ की ना ग्रीनरी एकदम अलग ही है, और मुझे पता है मैं थोड़ा सा बातों को इधर उधर फिरा रहा हूँ, कोई नहीं चलो दिखा देते हैं, 1, 2 और 3। तो भाई ये रही अपनी टोटली कम्प्लीटेड रेंज रोवर, मतलब क्या ज़बरदस्त लुक्स आ रहे हैं आप लोगों को, दिख रहे हैं भाई ये देखो, इधर से दिखाऊँ, और 3X में करूँगा ना, तो 3X में भाई क्या लग रही है आप खुद बताना, पिलर्स करवा दी हम लोगों ने, साइड प्रोफाइल में दिखाऊं तो साइड प्रोफाइल से आप लोग देख सकते हो, 3X में ना हैरियर जैसी भी लग रही है ये गाड़ी ना, इतनी गाड़ियों का मिश्रण लग रही है जिसकी कोई हद नहीं, सफारी जैसी हैरियर जैसी। तो भाई ये पिलर्स हमने करा दिए, पास में चलता हूँ एक बार और फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कैसी कुछ जो है अपनी गाड़ी लगने लग रही है। तो भाई ये DRLs चल रहे हैं, कई लोग बोलते हैं काफ़ी वीक है DRL, मेरे को भी लग रहा है, इनको मोहित भैया से बोल के मैं ठीक करवाऊंगा, या मेरे को बताना भाई स्टॉक में भी इतनी ऐसे ही आते हैं कि जो चमक नहीं रहे, या फिर क्या कुछ, या फिर आई डोंट नो, तो बताना एक बार मोहित भैया से हम लोग बात करेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। खैर देखो भाई ये रे पिलर्स की अगर मैं बात करूँ, ये रे पिलर्स अपने एकदम बढ़िया पीपीएफ हुए हैं, रैप नहीं हुआ, वापस बताऊँ जो छत वाला था ना सेम वॉइस पे हुआ है, पीछे से भी लेके चलूँ तो पीछे साइड के लुक्स देख लो यार, पहले आप लोग लो साइड के देख लिया आप लोगों ने, है अब चलते हैं हम लोग पीछे की तरफ, यहाँ से लो पीछे की तरफ के आप लोग देख लो भाई आपको क्या लग रही है, रेंज रोवर लग रही है, हैरियर लग रही है, सफारी लग रही है, जीप कंपस लग रही है, जो भी लग रही है आप लोग भाई लिख के बताओ आप लोगों को ये लग रही है। मेरे हिसाब से तो ना ज़बरदस्त जो है इस गाड़ी के लुक्स आने लग रहे हैं, और माँ के समेर को तो मज़ा आ गया, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन ज़रूर लिख के बताना। और देखो मेहनत तो ऑब्वियस ही बात है काफ़ी ज़्यादा थी इसको करने में, कई लोगों की है तरुण भैया की भी, अभी ना इसका क्वार्टर पैनल जो है वो जेड ब्लैक करूँगा, सारे शीशे के साथ करूँगा, कल ये कंटेनर देखना है कि मेरे को बताना, अगर आप लोग देखोगे तो कल ही जाके फटाफट एक बार से काले शीशे करा देंगे आगे फ्रंट पीछे के बैक के सारे, एंड फिर देखेंगे गाड़ी का कैसे लुक्स। एक बार थार में भी मेरा मन था पर्सनली वो करवाने का, बट देन फिर हो नहीं पाया। हाँ अब देखो कई लोग कहेंगे भाई ये ना काले आपके जो व्हाइट शीशे हैं ये अच्छे नहीं लग रहे, एंटीना के बारे में मत बोलिएगा, एंटीना आपका भाई करवाने वाला है। हाँ शीशे यार देखो ये ना पर्सनली मेरे को तरुण मैंने बताया, वैसे मैं करा लूँगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ना गाड़ी चौड़ी नहीं लगती, अगर आप लोग ब्लैक करा लेते हो ना तो उसके बाद ये गाड़ी का जो पार्ट है ये कट जाता है, फिर गाड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी लगती है, तो अपने को वो वाली सीन तो चाहिए नहीं थी, अपने को चाहिए था थोड़ा वाइल्ड बोल्ड लुक्स आए, तो उसके लिए जो है हमने ऐसी कराई है। तो भैया कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, और देखो यार
बात इतनी सी है कि आप लोग बोलोगे वो काम मैं कराते रहूँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए चैनल बनाए। ये गाड़ी मेरी नहीं है, गाड़ी आप लोगों की भी है। तो हाँ, मेरे किसी भाई को कभी चलानी हो तो पक्का चलाइएगा, मना ही नहीं कर रहा मैं। आप लोग ये गाड़ी चलाओ, ज़बरदस्त चलाओ, ठीक है। तो काम बताओ क्या क्या करवाने हैं साथ में, वो भी करवाते रहेंगे। एनीवेज ये काम हुआ था तरुण भैया ने करा था वेस्ट कार केयर पे एम्बेंस मॉल में। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा उनके एड्रेस का और फोन नंबर का, आप लोग जाके जो है उनको कर सकते हैं। खूब परेशान करो कि भैया हमारी गाड़ी में भी कर दो ये काम वो काम। भैया ऐसे लग रहे हैं कुछ लोग, बताना कैसे लग रहे हैं। कौन सी लेके आया था मैं, लेके कौन से आपके पास आया था गाड़ी? आप ब्रेजा लाए थे रेंज रोवर। तो भाई यहाँ पे सारा पहले दिखा दूँ, काम हुआ है वेक्स कार केयर पे तरुण भैया के पास। तो दिखाएं तरुण भैया, दिखाओ दिखाओ बिल्कुल। तो भाई यहाँ से अगर आप लोग साइड लुक्स देखोगे ना, अब पूरी की पूरी एकदम जो है ये रोवर लगने लग रही है सच्ची में। और मतलब भैया एक बार तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा देख के, है ना यार, कि आपके सामने कितने बंदों ने मुड़ के देखा। तो सही बात है कि कौन सी गाड़ी है, क्या गाड़ी है। अगर इसमें से आगे सुजुकी के लोगों हटा दो, है ना, सुजुकी के लोगों हटा दो रेंज रोवर। हाँ, तो मतलब एक वो प्लान है, वो हम करने वाले नहीं है, बट हाँ फिर भी अगर करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा इसमें, है ना। पर गाइस मैं अगर आपको दिखा दूं पास से, तो देखो पीपीएफ रैप लैमिनेशन सबका एक नियम होता है कि कुछ टाइम तक उसमें मॉइस्चर रहता है। हाँ, मॉइस्चर रहता है ना। तो क्या है, मॉइस्चर जो केमिकल से लगेगा तो मॉइस्चर में कुछ फर्क आएगा ना। हाँ, चेंज होने ठीक है। तो ये भाई हमेशा से रहता है। और अगर आप लोग कभी अपनी गाड़ी सॉरी अपने फोन को भी टेम्पर्ड कराने जाते हो तो उसमें भी छोटे छोटे बबल रह जाते हैं, और वो ओवर टाइम जब आप चार्ज करते हो गर्म होता है तब निकलते हैं। तो भाई ये तो इतना बड़ा पार्ट जब रैप हो रहा था उसके ऊपर है। बट हाँ, अब बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप लोग पिलर करवा लो, और तरुण भैया और मैंने मिलकर प्लान बनाया कि करा लेते हैं। और आज है कितनी तारीख है भैया, 8 तारीख है, 9 तारीख। अब शायद से 12 या 13 को इसमें एक और काम होगा, है ना। हाँ। और वो भी एकदम अल्टीमेट होगा, और अगेन वैक्स कार केयर पे ही होगा। और आज हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें कंफ्यूज नहीं करना था लोगों को, है ना। तो अच्छा तरुण भैया, अब हम लोग बात करें कि छत और ये पीपीएफ कितने में हो जाए पूरी पिलर्स के साथ साथ। पिलर के साथ साथ भैया 16,000 रुपये। और रैप करानी हो किसी को, रैप करवानी हो 8,000 रुपये, ठीक है। और विनाइल हम लोग करते नहीं है, विनाइल नहीं करते क्योंकि नकली काम पे हम लोगों ने विश्वास रखा ही नहीं कभी भी। तो विनाइल अपने पास 8,000 रुपये में रैप हो जाएगी, 16,000 रुपये में पीपीएफ होगी, ठीक है। पीपीएफ के फायदे बहुत हैं, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रैप ना करवाओ, रैप के अलग चीजें हैं, पीपीएफ के फायदे बहुत हैं, बिल्कुल। ये सेल्फ हील है, माइनर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, डलनेस नहीं आएगी, ग्लॉस लेवल आपके सामने। और भाई ये ना, अगर आज मैं अगर 9 तारीख को 8 तारीख को अगर ऐसी लेके जा रहा हूँ ना, अब मैं आपको एक महीने बाद दिखाऊंगा तो भी ऐसी कैसी एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये है टीपीयू, है ना, सेल्फ हीलिंग इसे बोला जाता है, और इसमें जो है अपने आप हीलिंग प्रॉपर्टीज है। पर गाइस अगर आप लोग एक चीज और मैं दिखाता हूँ आपको, रूफ देख लो और ये देख लो, दोनों मैच कर रही हैं एज इट इज। इनमें ना ग्लॉस में पुरानी है या नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ग्लॉस के साथ एकदम वो एग्जैक्टली मैच होने लग रहा है, पूरा डिट टू एज इट इज, सेम टू सेम है। और मतलब आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी तरुण भैया ने, और फिर मैंने तरुण भैया से बोला कि भैया ऐसे ऐसे आइडिया है, भैया ने कहा कि हाँ चलो ऐसा करा देते हैं ना। और फिर एक चीज़ है कि देखो अगर आप मिरर नहीं कराए ना तो गाड़ी वाइड लग रही है, थोड़ी ब्रॉडर लग रही है ना। अगर यही मिरर हम लोग करा देते तो गाड़ी जो है ना थोड़ी थोड़ी छोटी लगनी स्टार्ट, है ना, ये सीन होता। तो भाई आप लोग और आइडियाज बताओ कि क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल हाँ, ये सारा ये स्टॉक पड़ा, वो स्टॉक पड़ा है अपने पास, 70-80 रोल स्टॉक में होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक्चुअली 700 हो गया भैया। हाँ देखो, तो भाई अब आप लोग फिटिंग देख के बताओ कि आप लोग वहीं से पता चल रहा है कि इसमें पीपीएफ हुआ है या नहीं हुआ है, ये देख सकते हो पूरा अंदर तक है। और दूसरी चीज की है तो मैंने मेरी गाड़ी में कराई, अगर आपको अपनी पूरी गाड़ी में भी करानी है तो थार की भी अगर आप लोग वीडियो चेक करोगे इधर ही हुआ था, है ना। एक्चुअली 700 में कुछ भी नहीं खोला, बिल्कुल हाँ सही बात है, रूफ रेल से कुछ भी नहीं खोला, कुछ भी नहीं खोला उसके बिना। जो है जो मेरे भाई सोचते हैं ना कि भाई हम लोगों को अपनी गाड़ी ओईएम फिटिंग चाहिए कि वो कंपनी ने जो करके दिया वो बाहर से ना निकले, तो वो वाला सीन यहाँ पे हो रहा है ना। तो भाई यहाँ से बिल्कुल भी नहीं खुली है। और यार देखो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर जी न्यूज़ और सब ने हमारी वो मतलब हमने यहीं पर ऐप करवाई थी जो भी हुआ था पसंद कराया तो कुछ तो बात होगी, है ना। तो भाई यहाँ पे हुआ है। अच्छा तुम आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ काम को सल्यूट है भैया, काम देख के। हाँ, आपने काम देख के पहले तो पैसे देने। हाँ बिल्कुल सही और बात है। काम देख के क्वालिटी बतानी है, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि बिना क्वालिटी बिना काम की हम पैसे ले लेंगे, बिल्कुल। काम देख के काम करो, बिल्कुल भाई। तो ये है कि हाँ तसल्ली पहले करो, तसल्ली पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। तो भाई हाँ घड़ी वाला काम है यहाँ पे, सेम सीम चीज है। और भैया देखो ना स्पष्ट शब्द, अरे भैया बहुत हो गया, और लगा लो ना हाइड्रोफोबिक जो इफेक्ट है अभी भी है पूरा शीशे पे भी, बारिश में जब ऐसे आता है ना पानी तो अपने आप ही एकदम मिनटों में साफ हो जाता है, तो वो वाला सीन है। और भाई देखो ऐसी बात नहीं है कि मतलब काम कहीं और सीन नहीं होता, बट मेरा मन जहाँ पे मान रहा है मैं वहाँ पे आता हूँ, है ना। 100 लोग अलग तरीके से काम करते होंगे, मैं यहाँ पे भाई पर्सनली बहुत बार से आ रहा हूँ, और भैया बलिनों के टाइम से आ रहा हूँ शायद, है ना। 2016-17 हाँ 16 में ली थी, 17 में मैं भैया के पास आया था, और तब से भी मैं आने लग रहा हूँ यहाँ पे सहरे में, क्या जो भी है अपनी गाड़ी में होता रहता है। तो भाई मेरे को तो सही में मजा आया। अब हम लोग वापस आपसे मिलेंगे, तरुण भाई एड्रेस बता दो और कैसे आपके पास आना है वो बता। एम्बियंस मॉल गुड़गांव वाला, ठीक है। एम्बियंस मॉल बेसमेंट 2, 240 पिलर, 2 नंबर गेट से आपने एंटर करना है, सामने ही है,
ठीक है, ये वैक्स कार केयर आप लोग को दिख जाएगा, नंबर बताओ भैया 7838988022। ठीक है भाई, यहाँ से आप एंट्री लोगे ना इधर सीखेगा। और भैया मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ डिस्काउंट आओगे तो मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा, बोलो हर्ष भाई की वजह से बिल्कुल डिस्काउंट। तो भाई डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आप पीपीएफ कराओ चाहे कुछ भी कराओ, मतलब देखो यार बड़ा एक्सपेक्ट मत करना, बट हाँ जितना भाईचारे वाला बेस्ट टू बेस्ट वाला डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो भाई आप लेके चलूंगा मैं दिन के लुक्स की तरफ, क्योंकि मेरे भाई को डाउट होगा कि तुमने लाइट में दिखाई है बट अपना जो चीज़ है हमेशा खरी खरी मिली है ना। तो अब एक बार आपको बाहर लेके चलूंगा और फिर दिखाऊंगा। भैया कैसी लग रही है, रेंज रोवर जैसी लग रही है? तो उतने में मजा आ गया सही में देख के, और ओवर द टाइम और भी रिएक्शन आएंगे वो सारे बताऊंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे हम लोग, तब तक बाय बाय और धन्यवाद।